जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो किड में। दोस्तों SSC GD का आपने स्कोर देख लिया होगा, आपका स्कोर कार्ड आ गया है। जिन्होंने नहीं देखा वो भी SSC की ऑफिशियल साइट पे जाके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। स्कोर कार्ड आपने देखा होगा, जितने भी बच्चे जो मेरी अकेडमी के, मैं आपको बता दूं अधिकतर बच्चों के नंबर प्लस ही हुए हैं। मैं आपके उनमें से कुछ उदाहरण भी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, लगभग अगले वीडियो में आपको 100 से ज्यादा बच्चों के दिखा भी दूंगा कि किसके कितने प्लस हुए हैं। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसमें कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जिनके 4 से 5 नंबर तक माइनस भी हुए हैं, बहुत कम है जिनके घटे हैं। मेरे ख्याल से 1 से 2% बच्चे ऐसे होंगे जितने बच्चों में से, या मैक्सिमम 5% तक ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर माइनस हुए हैं। अगर आप में से भी कोई बच्चा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन अधिकतर बच्चों के नंबर प्लस हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पहले ही मैंने बोला था कि आपका पेपर में आपने कितने गलत सवाल किए हैं या सही किए हैं, इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। पड़ता है लेकिन कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पूरी शिफ्ट का एक जैसा होता है। तो हमारे जैसे भी अकेडमी में एक बच्चा था जिसका 1% गलत था, उसका केवल 1% ही गलत था और फिर भी उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने बढ़े हैं, 11। ठीक है, वही एक दूसरा बच्चा था जो दूसरी शिफ्ट में, उसके लगभग 15 नंबर प्लस हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 18 नंबर भी प्लस हुए हैं, कईयों के 23 नंबर भी प्लस हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम मैंने जो नंबर बढ़े हुए देखे हैं ज्यादातर बच्चों के, तो वो मान के चलिए कि 8 नंबर से लेके और 15 नंबर के बीच में ज्यादातर बच्चों के नंबर प्लस हो रखे हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब यहां पर यह बात आती है कि सर अब मेडिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। देखो, जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन को अगर मैं देखूं कि ज्यादातर बच्चों के जो नंबर बढ़े हैं 7 से 8 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, और मैंने पहले भी बोला था एक बार फिजिकल के समय भी कि जिन बच्चों के बराबर नंबर है उनको भी फिजिकल जरूर पास करना है। एक बच्चा मेरे पास में आया था बहुत पहले, उसके कट ऑफ के बराबर नंबर थे लेकिन आज उसके 14 नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में, जबकि फिजिकली कट ऑफ आई थी तो उसके बिल्कुल बराबर नंबर थे, 120 नंबर में फिजिकली कट ऑफ थी, उसके 120 ही नंबर थे। तो निराश हो रखा था, मैंने बोला था जरूरी नहीं है नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं, 14 नंबर बढ़ गए जी, फाइनल मेरिट का हकदार हो रहा है। तो अब कितनी जा सकती है SSC GD की फाइनल मेरिट और मेडिकल कट ऑफ, मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ राज्य से या जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो नंबरों में या जो अंक है वो 6 से प्लस ऊपर जा सकती है अब कट ऑफ मेडिकल के लिए। ठीक है, मेडिकल के लिए ज्यादातर जगह से, ये किन राज्यों की बात कर रहा हूं आपको भी समझ में आ रहा होगा, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, MP, दिल्ली, महाराष्ट्र, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जनरल कैटेगरी के 6 नंबर क्यों बता रहा हूं, आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर 6 नंबर को मेडिकल कट ऑफ बढ़ सकती है, मैं बोल रहा हूं 6 से ज्यादा बढ़ेगी, 6 से कम नहीं, ये भी ध्यान रखना 6 से ज्यादा पढ़ने के चांसेस है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार 2 नंबर का है लेकिन अगर क्वेश्चन के आधार पर देखें तो कितने क्वेश्चन आगे बढ़ी है, 3। अगर पिछली बार की मेरिट से कंपेयर करें तो कितना नंबर बढ़ी है, 3। इस बार वो नंबर आपको 6 नजर आ रहे हैं क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो क्वेश्चन की जो नंबर की जो वैल्यू है वो कम है क्योंकि क्वेश्चन के आधार पर देखिए तो 3 ही ऊपर बढ़ी है और इतना बढ़ना तो लाजमी है। क्योंकि जो फाइनल मेरिट पिछली बार अगर आप देखोगे तो जिस भी स्टेट की फिजिकल की जो कट ऑफ आई थी उसमें और जो फाइनल मेरिट आई थी उसमें हर एक जगह से 10-10, 12-12 नंबर का फर्क था। इन राज्यों में 10-12 या 14 नंबर का फर्क तो हर जगह से था, तो इस बार अगर उनको हम आंकड़ों को बदल दे तो 10 की जगह 20 हो सकता है और 12 की जगह 24 हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 6 नंबर तो आराम से ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के हर एक बच्चे के नंबर बढ़े हैं, इसलिए यह कट ऑफ ऊपर पहले पैदान पर तो चली जाएगी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब फाइनल मेरिट कितनी इसी बढ़ सकती है, अगर आपके अभी भी जो फिजिकली कट ऑफ आई है उससे अगर अभी भी, जैसे अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हो, मान लो राजस्थान हो गया जिसमें, MP हो गया या UP हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, या राजस्थान, MP, UP, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, या मान के चलिए दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अगर इनमें से किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो यहां तो कट ऑफ मान के चलो, लाडलो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके कम से कम 12 प्लस नंबर होने चाहिए या 14 नंबर प्लस होने चाहिए फाइनल मेरिट तक पहुंचने में। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके इससे भी कम नंबर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हो सकता है कि SSC और सीटें बढ़ा दे,
तो ये नंबर नीचे भी आ सकती है। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको कईयों को ऐसा भी लग रहा होगा सर ऐसे थोड़ा ना कोई बार बार थोड़ा ना बढ़ाती है एसएससी, बिल्कुल बढ़ाती है एसएससी जीडी फाइनल मेरिट से पहले भी कई बार सीटें बढ़ा देती है, तो हो सकता है कि फाइनल मेरिट के आसपास अगर सीटें बढ़ा दी तो ये कट ऑफ अपने आप ही नीचे गिर जाएगी, पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ जाएगी तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, समझ गए। और लाड लो हाँ एक चीज और, जिन भी बच्चों का फिजिकल हो गया है वो अभी से प्री मेडिकल करा सकते हैं, मेडिकल बैच हमारे अकेडमी में शुरू हो गए हैं, अब नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेडिकल करा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपको रीमेडिकल के लिए समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, रीमेडिकल के लिए समय नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई भी मेडिकल पॉइंट मिल गया तो आप सीधे बाहर हो जाओगे, मौका नहीं मिलेगा और बाहर आके पछताओगे। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, मेडिकल कराने से आपको उसकी जानकारी हो जाती है और आपका आगे काम भी हो जाता है, ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट है लाड लो ध्यान रखना इतनी ऊपर जा सकती है, जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं उस हिसाब के आधार पर बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी से इन राज्यों से। अब जो बाकी जो राज्य है वहां पर भी फाइनल मेरिट तो नॉर्मली 8 से 10 नंबर तो आप मान के चलिए, बाकी जो राज्य है वहां पर भी जो जनरल कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यू एस कैटेगरी है यहां से इतना जंप तो करेगी ही करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है लाड लो। जय हिंद, जय भारत।